नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दिनांक 18 सितंबर के लिए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आज के दिन का जो शुभ काल है, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:21 से लेकर 12:45 तक। और जिसे हम अशुभ काल या फिर राहु काल भी कहते हैं, वो है दोपहर 3 से लेकर शाम 4:30 तक। आज संपूर्ण दिन चंद्रमा है, वह चंद्रमा धनु राशि के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेगा। उसी तरह से आज मंगल, जो कि मकर राशि में है, वह मेष राशि में स्थित हर्षल के साथ केंद्र योग यानी कि अशुभ योग भी करने जा रहा है। इसी योग को ध्यान में रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है मेष राशि। मेष राशि के भाग्य स्थान से चंद्रमा का भ्रमण है और आपके दशम स्थान में स्थित जो मंगल है, वह मंगल आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। तो आज के दिन जहां पर आप काम करते हो या फिर नौकरी करते हो, वहां पर ऐसे कुछ बातें हो सकती है जिसकी वजह से आपकी जो मनस्थिति है वह मनस्थिति अच्छी नहीं रहेंगे। थोड़ी बहुत निराशा आ सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप थोड़े ज़्यादा इंटेंसली रिएक्ट करोगे, जैसे कि आपका नेचर भी है, आपका स्वभाव भी है कि कोई भी अगर बात हो तो आपके पास पेशेंस है वो थोड़ा कम होने के कारण आप बहुत ज़्यादा इंटेंसली रिएक्ट करते हो, जिसकी वजह से आपकी जो मनस्थिति होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। थोड़े बहुत आप संतापजनक स्थिति में हो जाओगे, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। अपने भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है आज के दिन। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के अष्टम भाव में से चंद्रमा का भ्रमण चल रहा है और आपके भाग्य भाव में स्थित जो मंगल है वह मंगल आपके व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ ना केंद्र योग यानी कि अशुभ योग करने जा रहा है। तो आपके लिए भी आज का दिन है वो थोड़ा बहुत संदेहजनक होगा। मतलब जो भी काम आप कर रहे हो उसके बारे में, जिसे हम सक्सेस बोलते हैं, वह सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, और ऐसी कोई बातें आपके सामने आ सकती है जिसकी वजह से आपके मन में थोड़ी साशंकता निर्माण हो सकती है। आप सोच में रहोगे कि किस तरह से आपने जो भी काम आरंभ किया है इसमें किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ग्रह योग भी आपके लिए कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें ला रहे हैं, लेकिन समय ऐसे हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। आपको लग भी रहा है कि इस तरह से हम अगर आगे जाए, आपके लिए आपने योजना भी तैयार की है, लेकिन आपको लगेगा कि इस योजना पे चलते हुए भी आपको वो जो आप सक्सेस होने के लिए जो चाहिए वो अभी तक नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से आज के दिन थोड़ा बहुत आप ज्यादा सोच में पड़ जाओगे और नाराज भी होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके बाद की जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के सप्तम भाव में से चंद्रमा का भ्रमण है और आपके अष्टम भाव में स्थित जो मंगल है वह मंगल आपके लाभ स्थान में स्थित हर्षद के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके स्वास्थ्य के बारे में है। स्वास्थ्य के बारे में कोई भी अगर आपको लक्षण दिखाई दे आज के दिन, तो उसके ऊपर उसको नजरअंदाज नहीं करना, उसके ऊपर काम करना। उसी प्रकार आपके जो जीवन साथी होंगे उनके लिए भी आपके मन में थोड़े बहुत संदेह निर्माण हो सकते हैं। मतलब कैसे होगा, किस तरह से होगा, और जो जीवन साथी आपके साथ खुलकर नहीं पेश आ रहा है, तो उसके बारे में आपके मन में थोड़ी बहुत तो आशंका पैदा हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के षष्ठ भाव से चंद्रमा का भ्रमण होगा और आप ही के राशि के सप्तम भाव में जो मंगल है वो मंगल आपके दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ केंद्र योग करेगा। आज के दिन कुछ ना कुछ तो अनुभव आपके जो जीवन साथी है उनके साथ होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, उसके ऊपर नियंत्रण करना आवश्यक है। कोई भी ऐसी बात आपको सामने आ जाएगी जिसकी वजह से आप जल्दी से रिएक्ट करोगे, हालांकि आपका नेचर वैसा नहीं है, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति होगा, आपका जो जीवन साथी होगा, वो रिएक्ट जरूर करेगा। और अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप के व्यवसाय में हो तो आपके जो पार्टनर होगा वो भी आपके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसे अलग योजना लाएगा जिसकी वजह से आपके विचारों में थोड़े बहुत तनाव या उसमें उसके बारे में थोड़े बहुत वाद विवाद हो सकते हैं। तो थोड़ा सोचना, जल्दी से ओवर रिएक्ट नहीं करना। इसी वजह से थोड़ा बहुत आज का दिन है वो आज का दिन आपके लिए स्ट्रेस या टेंशन में जा सकता है, ज़्यादा आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसके बाद की जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि के पंचम स्थान से चंद्रमा का भ्रमण चल रहा है और आपके षष्ठ भाव में स्थित जो मंगल है वह मंगल आपके भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है, जिसे हम गुप्त शत्रु कहते हैं। वह गुप्त शत्रु के कारण आपको थोड़ी बहुत आपकी मानसिक शांतता है वह भंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। गुप्त शत्रु मालूम
माने कि जो आपके सामने तो बहुत आपके लिए अच्छा सोच रहे ऐसे बता रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी जो व्यक्ति है इनकी वजह से आपको थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और ऐसी व्यक्ति आपके बहुत ही करीब वाले भी हो सकते हैं, इसका आपको उदाहरण दिख जाएगा। तो इसकी वजह से आपका थोड़ा जो मन शांति है वो थोड़ी ढलने के चांसेस है। लेकिन आपके तृतीय भाव में जो शुक्र और गुरु है इनके कारण जो भी ऐसी परिस्थिति अगर आपको आ जाए फिर भी उसके ऊपर क्या करना है, इसकी योजना आपके पास तैयार होगी, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने वाली कौन सी भी बात नहीं है। इसके बाद की जो राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के चतुर्थ भाव से चंद्रमा का भ्रमण होगा और आपके पंचम भाव में स्थित जो मंगल है वह मंगल आपके अष्टम भाव में स्थित जो हर्षल है उसके साथ केंद्रीयोग करने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप कोई जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज या फिर शेयर मार्केट या फिर ऐसे जो व्यवसाय है उससे आप डील करते हो जिससे कि जहाँ पर लक फैक्टर बहुत काम करता है, तो ऐसे व्यवहार आज के दिन कृपया नहीं करना क्योंकि बहुत ज़्यादा घाटा आने के चांसेस लग रहे हैं। तो ऐसे आप इसी कोई भी बड़ी जो बोलते हैं रिस्क वगैरह बोलते हैं वो नहीं लेना क्योंकि आज के दिन वो जो रिस्क है वो आपको महंगी पड़ सकती है। अगर आप शादीशुदा हो, आपके संतान हो, तो संतान के जो अपन जो सुख बोलते हैं, हेल्थ इश्यूज बोलते हैं, वो हेल्थ इश्यूज सामने आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के तृतीय भाव से चंद्रमा का भ्रमण होगा और आपके चतुर्थ भाव में जो मंगल है वो मंगल आपके सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ केंद्रीयोग करने जा रहा है। आज का दिन थोड़ा अशांत पूर्ण है, मतलब घर की कोई ऐसी बात इरप्ट हो जाएगी, बाहर निकल के आएगी, जिसकी वजह से आपके जो जीवन साथी है उनके साथ बहुत ज्यादा तनाव हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से आप सोच में भी बहुत रहोगे। बाकी आप जहां पर काम करते हो, आपका जो भी व्यवसाय है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो परिस्थिति आपके नियंत्रण में होगी, लेकिन घर की जो बात है वो बात फिर से एरप्ट होने के चांसेस है और नेगेटिवली मतलब नकारात्मक रूप से बाहर आने के चांसेस है, जिसकी वजह से आपका जो साथीदार होगा, जीवन साथी उसके साथ भी आपके मतभेद तनाव आपके हो सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तृतीय भाव से मंगल का भ्रमण है और आपके षष्ठ भाव में स्थित जो हर्षल है उसके साथ यह जो मंगल है वह केंद्र योग आज के दिन करेगा और चंद्रमा का भ्रमण आपके द्वितीय भाव से हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, किसी कोई भी अगर प्रोजेक्ट आपने लिया है, किसी मसले के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो आज के दिन उस पर कुछ ना कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम्स ऐसे आ सकती है जिसकी वजह से आपको बड़ा स्ट्रेस हो सकता है। आपको लग सकता है कि जो भी काम के लिए आप काम के लिए जो भी जुट रहे हो, जो भी कल्पना आपने एक साथ की है, उसमें बहुत बड़ी बाधा आने के चांसेस लग सकते हैं और इसकी वजह से आपका जो माइंडसेट है वो माइंडसेट इतना अच्छा नहीं होगा। वह जो बात है वो अच्छी तरह से फिर से नॉर्मल होने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने वाले हो, तो आपके लिए ये जो दिन होगा वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, लेकिन जो आपका माइंडसेट जो बोलते हैं, मनस्थिति जो बोलते हैं, वो थोड़ी बहुत नकारात्मक होने के चांसेस है। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण चल रहा है तो आपके द्वितीय भाव में जो मंगल है वह मंगल आपके पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके आज के दिन घर के ऊपर थोड़े पैसे वगैरह ज़्यादा खर्च हो गए, खास करके अगर आप शादीशुदा हो तो संतान के बारे में ऐसी कोई खर्च वाली बात हो सकती है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत निराशा भी आ सकती है। दूसरी बात, घर के मामले में थोड़े बहुत आपके झगड़े वगैरह हो सकते हैं, खास करके आर्थिक स्थिति के बारे में, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था इसके पहले वीडियो में कि ये जो दो तीन दिन है वो दो तीन दिन आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में आपको थोड़ा बहुत सोचने पे मजबूर करेगा क्योंकि खर्चा बहुत ही ज्यादा हो रहा है, ऐसा आपको आज के दिन जरूर लगेगा, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। वो जो खर्चा है वो सकारात्मक कारणों के लिए हो रहा है, लेकिन पैसे की जो मजबूरी आपने करीबन पिछले एक डेढ़ साल से देखी है, इससे चलते हुए या फिर वह अनुभव करते हुए आप यह जो खर्चे हो रहे हैं उसके ऊपर से थोड़ा बहुत निराश हो सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। आपके व्यय भाव में से चंद्रमा का भ्रमण चल रहा है और आपके राशि में स्थित जो मंगल है वो मंगल चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। घर की कोई ऐसी बहुत बड़ी बात आपके सामने आ सकती है जिसके वजह से
आपका जो नियंत्रण है मन का वो खो सकता है, बहुत ज्यादा वायलेंट हो सकते हैं किसी भी एक मुद्दे को लेकर। तो इसके वजह से अपने ऊपर नियंत्रण रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपका चंद्रमा है वो भी आपके व्यय भाव से चल रहा है, तो वो भी आपको साथ नहीं देगा। इसीलिए कोई भी छोटी मोटी ऐसी बात होगी जिसके ऊपर से आप बहुत ज्यादा वायलेंट करोगे, बहुत ज्यादा रिएक्ट करोगे, घर के लोगों के साथ झगड़ा भी करोगे, और कोई किन्हीं कारणों के कारण घर के जो लोग है वो अलग से अगर बिहेव करते हो, अगर से अलग से अगर आपके आपने जैसे निर्देश दिए हैं उसी तरह से नहीं बिहेव करते हो, इसके वजह से आपके मन में बहुत ज्यादा तनाव आ सकता है जिसके कारण झगड़े भी हो सकते हैं। थोड़ा कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। 2-3 दिन रुको, ये जो परिस्थिति है वह परिस्थिति नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। उसके बाद की जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लाभ भाव से चंद्रमा का भ्रमण है और आपके व्यय भाव में स्थित जो मंगल है वह मंगल आपके तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहे हैं। आपके जो लाभ, जो प्रत्यक्ष लाभ जिसे बोलते हैं, उसमें थोड़े बहुत रुकावट आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और जो अननेसेसरी और अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस जो रहते हैं जिसमें हमारी तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, लेकिन किन्हीं लोगों के कारण हम स्ट्रेस में आ जाता है, हम उसमें आ जाते हैं, उसी प्रकार का जो प्रॉब्लम्स है, जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो आज के दिन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, और लेकिन वो स्ट्रेस लेवल बढ़ने में आपका तो कोई उसमें हाथ नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतर बाकी लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, उन्होंने जो भी ये मिस्टेक्स की है वो मिस्टेक्स आपको सुधारने होंगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेके अगर आप चलोगे और पूरा दिन इसी तरह से आपको काम करना होगा, जहाँ अगर आप नौकरी भी करते हो या फिर बिजनेस भी करते हो उसी वहाँ पर भी आपका खुद की तो कोई ऐसी मिस्टेक्स वगैरह नहीं होगी, लेकिन बाकी के लोगों के कारण आपको कुछ भुगतना पड़ सकता है। इसके बाद की जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि के दशम भाव में जो चंद्रमा दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण चल रहा है और आपके लाभ भाव में जो हर्षल है वह हर्षल आपके द्वितीय भाव में स्थित मंगल के साथ केंद्र योग कर रहा है। आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि पैसों के जो भी मामला, अगर आपको लग रहा है कि पैसे आपको आने वाले हैं अगले 2-3 दिनों में, तो वो किन्हीं कारणों के कारण रुक सकते हैं, या फिर उसमें ऐसी कोई अड़चन आ सकती है कि जिसके वजह से आपको लगेगा ये तो हमें पैसा नहीं आएगा, ये लाभ हमें नहीं मिलेगा, या फिर आपका बहुत करीबी ऐसा कोई दोस्त होगा वो इस तरह से बिहेव करेगा जिसकी वजह से आपकी जो मैत्री है, आपकी जो फ्रेंडशिप है, उसमें खटास आ सकती है, उसमें द्विधा आ सकती है। तो यह जो कारण है, यह जो दिन है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप खुद तो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगे, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात होगी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच ऐसी कोई दरार वगैरह आ सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा आपको कॉशियस रहना आवश्यक है, या फिर ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं, क्योंकि आपकी जो राशि है वो बहुत ज़्यादा सोचने वाली है। मेरे ख्याल से 1-2 दिन के लिए यह जो बात है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगर आप ऐसे करोगे तो स्ट्रेस आपको कम पड़ेगा, नहीं तो अगर आप उसमें इन्वॉल्व होगे तो बहुत ज्यादा सोचोगे जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल और भी बढ़ेगा। तो मित्रों, ये था 12 राशि के लिए राशिफल दिनांक 18 सितंबर के लिए। आपको ये राशिफल कैसा लगेगा उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।